बैंकों से 9000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर ब्रिटेन भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। बैंकों ने SBI के नेतृत्व में गोवा का किंगफिशर विला नीलामी में 73 करोड़ रुपए में बेच दिया है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार मूवी प्रोडक्शन कंपनी बिकिन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ने किंगफिशर विला को एक प्राइवेट डील के तहत खरीदा है। सचिन जोशी की वेबसाइट के मुताबिक वो MJ ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हैं, जिसे वो अकेले ही संभालते हैं। होटल, रियल एस्टेट, फिटनेस सेंटर और हेल्थ स्पा जैसे तमाम बिजनेस सचिन देखते हैं। वेबसाइट के मुताबिक सचिन च्युइंगम कंपनी गोवा, निकोफिक्स ड्रिंकिंग वाटर पैकेजिंग कंपनी लाइफ और XXX ड्रिंक जैसी कई कंपनियों को खड़ा कर चुके हैं। बता दें कि सचिन बॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। उन्होंने साल 2011 में आई फिल्म अजान से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसके बाद फिर वो मुंबई मिरर और सनी लियोन के अपोजिट जैकपॉट में भी नजर आ चुके हैं। खबरों की माने तो जल्द ही वो रामगोपाल वर्मा के अगले प्रोजेक्ट में नजर आएंगे। सचिन की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने साल 2012 में अपनी गर्लफ्रेंड मॉडल एक्ट्रेस उर्वशी शर्मा से शादी कर ली थी। उर्वशी ने साल 2008 में आई अब्बास मस्तान की फिल्म नकाब से बॉलीवुड डेब्यू किया था। दोनों की एक बेटी भी है। BBP न्यूज़ सबसे आगे। अन्य रोचक खबरों के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।